नमस्कार, स्वागत है आपका खेल जगत की 10 बड़ी खबरों में। आईपीएल का 42वां मैच केकेआर और पंजाब किंग्स के बीच शुक्रवार शाम 7:30 बजे से ईडन गार्डन में खेला जाएगा। केकेआर 10 अंकों के साथ दूसरे और पंजाब किंग्स 4 अंकों के साथ 9वें स्थान पर है। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल आईपीएल में 100 मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में गुजरात की टीम 7वें पायदान पर है। इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट उसैन बोल्ट को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इन खेलों की शुरुआत 2 जून से होनी है। पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस ने कहा है कि धोनी की खुलकर बल्लेबाजी करने की सलाह उनके कब बहुत काम आई है। चेन्नई के खिलाफ उन्होंने 124 रन की पारी खेली थी। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज रसीक सलाम पर साई किशोर से गलत बर्ताव करने को लेकर जुर्माना लगाया गया है। उन्हें पहले वार्निंग भी दी गई है। एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी ने जलवा दिखाया है। जैवलिन थ्रो में दीपांशु शर्मा ने गोल्ड और रोहन यादव ने सिल्वर जीतकर इतिहास रच दिया है। अहमदाबाद में रहने वाले इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी माधवीन कामत के खिलाफ अहमदाबाद साइबर क्राइम में मामला दर्ज हुआ है। उन पर एक लड़की के एस्कॉर्ट गर्ल बताकर बदनाम करने का आरोप है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के सचिव देव पटेल ने कहा है कि वह डी कुकेश और पिछले चैंपियन चीन के डिंग लिरेन के बीच इस साल के होने वाले विश्व चैंपियनशिप मुकाबले की मेजबानी के आधार के लिए बोली जरूर लगाएंगे। जिम्बाब्वे के पूर्व खिलाड़ी गाय वीटिल पर जंगल सफारी के दौरान एक तेंदुए ने हमला कर दिया। घटना के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है।